हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है वाइट हेड्स पर कि वाइट हेड्स के क्या कारण होते हैं, वाइट हेड्स क्या होते हैं और उसके कुछ घरेलू उपाय। धूल प्रदूषण और बिगड़ी आहार शैली के कारण हम रोज कई समस्याओं से जूझते हैं। त्वचा संबंधी समस्याएं भी इन्हीं में से एक हैं, जिनमें ब्लैक हेड, वाइट हेड और मुहासे भी शामिल हैं। इनमें से सबसे आम है वाइट हेड्स, जो किसी को भी आसानी से हो सकते हैं। लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के आधुनिक उपाय करते हैं, जो कभी कभी विपरीत परिणाम भी दे जाते हैं। ऐसे में वाइट हेड्स हटाने के लिए प्राकृतिक तरीकों का सहारा लेना बहुत ईजी है और बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात आती है कि वाइट हेड्स होते क्या हैं। वाइट हेड्स को मुहासे का एक प्रकार कहा जाता है, जिसमें ये केवल त्वचा के बाहरी हिस्से को ही प्रभावित करते हैं। इनमें आम बोलचाल की भाषा में फुंसियाँ भी कहा जाता है। ये चेहरे, छाती और पीठ पर छोटे छोटे सफ़ेद उबार के रूप में दिखाई देते हैं, जिनमें सफ़ेद रंग का सिस्ट जमा होता है। इनके कारण प्रभावित त्वचा पर कभी कभी दर्द भी महसूस होता है। इसके कारण क्या होते हैं? इसका पहला कारण होता है तेलीय ग्रंथियों से अधिक तेल का बनना या फिर हार्मोन बदलाव के कारण अधिक तेल का निकलना। तीसरा रीजन है चिकने और तेलीय कॉस्मेटिक उत्पादों का अधिक उपयोग करना। फोर्थ रीजन है अधिक पसीना आना या फिर नमी एक कारण हो सकता है। पांचवा रीजन है कुछ विशिष्ट दवाइयों का उपयोग करना, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां। अब बात आती है कि हम इसको हटा कैसे सकते हैं। व्हाइट हेड्स के कुछ घरेलू उपाय। सबसे पहला उपाय है इसके लिए बेकिंग सोडे का इस्तेमाल। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको बेकिंग सोडे में आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर आप इसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को प्रभावित स्थान पर लगाकर करीब 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। समय पूरा होने के बाद इसे हल्के गुनगुने पानी से धो डालें। इस प्रक्रिया को आप एक हफ्ते में करीब 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है टी ट्री ऑयल। इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है? रुई के टुकड़े को ट्री ऑयल में डुबोएं और उसके बाद त्वचा के प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो तेल में डुबोने से पहले रुई के टुकड़े को पानी में डालकर निचोड़ लें, फिर इसे लगाने के लिए इस्तेमाल करें। इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार दोहराने से जल्द आराम मिलेगा। तीसरा उपाय है लहसुन। सबसे पहले लहसुन को कुचलकर एक पानी में 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। समय पूरा होने पर इस पानी को अपने चेहरे के प्रभावित स्थान पर लगाएं और 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद रुई के टुकड़े को गुलाब जल की 4 से 5 बूंदें लेकर चेहरे को साफ कर लें। इस प्रक्रिया को दिन में करीब 2 से 3 बार दोहराएं। चौथा उपाय आता है एग वाइट। अंडे को तोड़कर उसका एग वाइट अलग कर लें और उसमें शहद डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब तैयार हुए लेप को फेस मास्क के तौर पर अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। समय पूरा होने के बाद गुनगुने पानी से इसे धो लें। इस प्रक्रिया को आप हफ्ते में 2 बार दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट इसका उपाय आता है ग्रीन टी। एक शोध में पाया गया है कि ग्रीन टी में पाए जाने वाले पॉलीफिनॉल्स मुहासे पैदा करने वाले मुख्य कारणों को खत्म करने में सहायक होते हैं। इसके लिए आपको उपयोग किया हुआ ग्रीन टी बैग लेकर प्रभावित स्थान पर करीब 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। इस प्रक्रिया को दिन में 1 से 2 बार दोहरा सकते हैं आप। नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा की पत्ती को काटकर उसके बीच के गुदे को निकाल लें। अब 1 चम्मच एलोवेरा के गुदे को 1 चम्मच नींबू के रस में डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब तैयार लेप को चेहरे के प्रभावित क्षेत्र पर हल्के हाथों से लगाएं और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। समय पूरा होने पर गुनगुने पानी से चेहरे को धो डालें। इस प्रक्रिया को हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू उपाय जिससे आप व्हाइट हेड से एकदम छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।